फतेहाबाद जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। अभियान के तहत किशोर बड़ी संख्या में अस्पतालों में टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय खुलने के बाद टीकाकरण करवाने वाले किशोरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। वैक्सीनेशन हमारा स्टार्टिंग जनवरी 16 से जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया था नेशनल लेवल पे, उसी के क्रम में ये लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ दिया। अब लोगों में जागरूकता भी आ गई और स्कूलों में जैसे हरियाणा सरकार ने कहा है विदाउट वैक्सीनेशन आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो उसके देखते हुए बच्चे अच्छी खासा जागरूक होकर भी आ रहे हैं और वैसे भी लोग अपना टीकाकरण कराने आ रहे हैं, जिससे काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। टीकाकरण करवाने वाले किशोरों ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना आवश्यक है और विद्यालय खुलने पर कक्षाएं शुरू करने के लिए भी टीकाकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे अन्य किशोरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये सारे देश में मान्य हो चुकी है। ये 15 से ऊपर और 18 से ऊपर दोनों के लिए लागू हो चुकी है। सो मेरे को लगता है कि यह वैक्सीन बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक डोज है जो जिससे हमें बीमारी से जा सकता है। मैंने आज फर्स्ट डोज लगवाई है और स्कूल ओपन हो रहे हैं और बिना डोज के स्कूल में एंट्री नहीं है, इसलिए मैंने अपनी डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा आके और वैक्सीन लगा के बहुत अच्छा लगा। लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वैक्सीन लगवाएं और बहुत अच्छी बात है।